आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह कि विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन सदन में भारी हंगामा देखा गया। विपक्ष वेल में आकर हंगामा करता हुआ नजर आया, नारेबाजी भी इस दौरान की गई। रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। उसी दौरान हंगामा कैसे हुआ, हम तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन और दूसरे ही दिन सदन में कैसे भारी हंगामा हुआ, विपक्ष ने कैसे नारेबाजी की, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रीट मामले में लगातार जांच की मांग विपक्ष कर रहा है और रीट मामले में सीबीआई से जांच हो, इस मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में बजट सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामा किया। वेल में आ गए सभी विपक्षी और वहां पर आकर लगातार नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है रीट मामले में गड़बड़ी को लेकर, और इसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की गई। इसके अलावा विधानसभा में पेपर आउट का मामला भी गूंजा है। विधायक का बलजीत यादव ने इस मामले को उठाया और अब इस पर भी हंगामा हुआ। अब साथ ही साथ ये कहा कि क्या कड़ा कानून लाया जाएगा। मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब भी इस पर दिया और कहा कि सरकार जल्द ही सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है, इस कानून को जल्द ही लाया भी जाएगा। बीजेपी राज में कई बार पेपर आउट हुए हैं, ये मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से जवाब में कहा गया। कहा गया कि 2016-2018 जिस तरह के मामले सामने आए हैं उसको लेकर हम लगातार जांच को आगे बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कानून और सख्त हो पेपर आउट मामले में, इसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है। सदन में भारी हंगामे के बीच एक के बाद एक मुद्दे सरकार पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने खड़े किए, अब जिनको लेकर शांति धारीवाल ने अपने तरीके से जवाब दिया और पूछा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में पेपर आउट हुए या फिर एग्जाम में गड़बड़ी हुई उसको लेकर अभी तक भी जांच में सच सामने नहीं आ पाया है। भाजपा राज में कई बार पेपर आउट हुए उसको लेकर भी विपक्षी ध्यान दें, शांति धारीवाल की तरफ से जवाब दिया गया। 2016-2018 का हवाला दिया गया और कहा गया कि तब भी पेपर आउट हुए थे। जहां तक सवाल इस बात का है कि इस मामले को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए या विधि में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए तो उसके लिए बिल तैयार किया जा रहा है जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की अनियमितताएं आगे से जाके ना हो। लेकिन रीट पर हल्ला करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि रीट के पेपर दो बार आउट हुए हैं, 2016 में और 2018 में, लेकिन वो जांच इन्होंने एसओजी को नहीं दी। सीबीआई की बात करते हैं, एसओजी को भी जांच नहीं दी, शांति धारीवाल कह रहे हैं कि 5 बार पेपर आउट हुए थे उसको लेकर जांच नहीं कराई गई। सीबीआई तो बहुत दूर की बात है, एसआईटी तक को जांच सौंपी नहीं गई। आगे बढ़ेंगे।